नमस्कार दोस्तों, मैं आपके अपने चैनल वैदिक ज्योतिष में आपका स्वागत करता हूं। प्यारे दर्शकों, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब कर लें और हाँ, बेल का आइकन दबा। जय माता दी। दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूं स्वस्थ होंगे और माता रानी की कृपा आप सब पर और आप सबके परिवार पर ऐसे ही बनी रहेगी। दोस्तों, आज आपके लिए बहुत ही अच्छा मंत्र लेकर आए हैं जो कि स्वयं सिद्ध मंत्र है और भगवान शिव और गोरक्षनाथ भगवान का ये मंत्र है। सिर्फ आपको याद करना है और इस्तेमाल करना है। दोस्तों, बहुत अच्छा मंत्र है। दोस्तों, अगर आपको भी भूत प्रेत की समस्या है, आपके ऊपर भी भेजा गया देवी देवता है या आपकी सवारी भी नहीं खुल पा रही है तो दोस्तों, आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा दरबार और हमारे गुरु का दरबार मंगलवार को तेजाजी नगर में लगता है, इंदौर में। आप वहां आ सकते हैं, दरबार पूर्णतः निशुल्क है। दोस्तों, जैसे आपको भी बुरे सपने आते हैं या सपने में आपके साथ कोई गलत गलत हरकत करता है, आप ब्रह्मचर्य का पालन सही से नहीं कर पाते हैं, रात में डरावने सपने आते हैं, आपको भी लगता है कि आपके पीछे कोई खड़ा है या घर में किसी के चलने की आवाज़ आती है या किसी ने आपके ऊपर मारण चौकी भेज रखी है, दोस्तों आपको इस मंत्र को एक माला से जागृत करना है। वैसे तो स्वयं सिद्ध है। दोस्तों, अगर आप इमरजेंसी में कहीं पर फंस जाते हैं, कहीं आपको बाहर वीरान में सोना पड़ता है या कहीं आपके घर में ही आपको लगता है कि प्रेत बाधा है, दोस्तों जिसके कारण आप सो नहीं पाते हैं, आपकी भी बीपी बढ़ जाती है, दोस्तों ये मंत्र को 7 बार, 11 बार या 21 बार, सबसे ज़्यादा 108 बार पढ़कर आप इसे सो सकते हैं, अपने शरीर पर फूंक मार सकते हैं। दोस्तों, ये एक सुरक्षा घेरा मंत्र भी है। अगर आप भी चौकी दरबार लगाते हैं तो सबसे पहले इस मंत्र को 108 बार पढ़ेंगे और अपने छाती पर, अपनी गद्दी पर फूंक लगा लेंगे तो दोस्तों, कोई आपके ऊपर कैसी भी विद्या है वो चलेगी नहीं। और साथ साथ आप चाहें तो रक्षा घेरा भी लगा सकते हैं, किसी नुकीली वस्तु या कील या चाकू, आप इस पे 108 बार मंत्र पढ़ें और फूंक लगा लें और घेरा लगा लें और उसके बीच में ही बैठना है। जब आपको उठना है तो चाकू को 3 बार उस घेरे को काटना है। दोस्तों, इससे आपकी सुरक्षा होगी और आप कहीं जैसे निर्जन स्थान पर जा रहे हैं या कुछ काम से जा रहे हैं तो भगवान गोरखनाथ भगवान को 7 अगरबत्ती लगा के इस मंत्र को 108 बार पढ़ेंगे और अपने हाथ पर फूंक मार के पूरी छाती पर लगा लेंगे, दोस्तों वो कार्य आपका सफल हो जाएगा, साथ साथ आपके शरीर की रक्षा भी होगी और दोस्तों आपसे लोग बहुत ही जल्दी इम्प्रेस हो जाएंगे। दोस्तों, इसको कोई भी वर्ग का प्राणी कर सकता है, चाहे वह स्त्री हो चाहे वह पुरुष हो। दोस्तों, इस मंत्र को लगातार ऊर्जा बढ़ाने के लिए आप प्रतिदिन एक माला पढ़ सकते हैं, वरना आप 7 बार, 11 बार, 21 बार, 41 बार या 51 बार या 108 बार भी पढ़ सकते हैं, अपने सुविधा के अनुसार। लगातार आप इसे प्रतिदिन अपने घर पर पढ़ते रहेंगे तो आपके जीवन में जो भी परेशानी आ रही है, इस मंत्र के माध्यम से, इस मंत्र के प्रभाव से वो धीरे धीरे दूर होने लग जाएगी। दोस्तों, मंत्र जानने से पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी तरह की गुप्त और अचूक जानकारी के लिए दोस्तों, अब मैं आपको मंत्र बता देता हूँ। मंत्र इस प्रकार है, मंत्र को कंठस्थ जरूर करें और इसमें छेड़छाड़ ना करें। सत नमो आदेश श्री गुरुजी महाराज को आदेश, आगे राखे राम जी पीछे राखण हार, बाम दाहिने राखिले कर ग्रह करतार, जम डंक लागे नहीं विघन काल ते दूर, राम रक्षा जन की करे बाजे अनहतूर, कलेजो राखे केशवो जिभ्या कु जगदीश, आत्म कुलख राखे जीव को ज्योतिष, राख राख शरणागति जीव को एक बार, संतों की रक्षा करे श्री शिव गोरख सदगुरु सृजनहार। दोस्तों, ये मंत्र है, मंत्र को ऐसे ही राग में गाना है, 108 बार पढ़ना है। आप इमरजेंसी में हो तो इसे सिर्फ याद करें और इस्तेमाल करें। दोस्तों,
अगर आपको जानकारी अच्छी लगे तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें। दोस्तों इसमें कुछ बदले नहीं। दोस्तों आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय माता जी। आपका दिन शुभ रहे।